आपकी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन हैं इन तीन नाम वाले लोग, आपकी जिंदगी के सबसे बड़े शत्रु हैं यह तीन नाम वाले लोग। प्यारे मित्रों, अब आपकी जिंदगी में एक ऐसा पल आने वाला है जब आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में दो सबसे बड़े योगों का निर्माण हो चुका है, जिसे हम पंचग्रही राजयोग और मालव्य योग कहते हैं। इसी के साथ साथ एक और विशेष योग, जिसे हम बुद्ध आदित्य योग कहते हैं, इसका भी निर्माण होने जा रहा है। तो ऐसे में आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी घड़ियां, अच्छे पल आएंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां प्रवेश करेंगी, लेकिन आपकी जिंदगी के इस शत्रु से आपको बचकर रहना होगा, क्योंकि ऐसी खुशियों के पल जब आपके जीवन में आते हैं तो उसे छीनने के लिए यह तीन नाम वाले लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं और फिर आपकी हर एक खुशी को बर्बाद कर देते हैं। अब हमारी बात आपको बेशक कड़वी लगेगी, हो सकता है अच्छी ना लगे, लेकिन आपकी ही लापरवाही हो का यह नतीजा है कि आपने ऐसे शत्रुओं को आज तक ना तो पहचान पाया है और ना ही इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई की है, जिसकी वजह से आप अब तक कष्ट और परेशानियों में घिरे रहे हैं और आगे भी घिरे ही रहेंगे। फिर चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आए और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाने की कोशिश करें, वह भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। तो प्यारे मित्रों, आज हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि अब अपनी आंखें खोलो, आज के इस वीडियो को पूरा देखो और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने जीवन के बारे में ऐसी अद्भुत और विशेष जानकारी हासिल होगी जैसी कि अब तक आपको कभी नहीं मिली थी। तो जयकारा बोलो माता रानी का जगत, माई महामाई, मां भद्रकाली की जय बोलो, माता के सिद्ध दरबार की जय बोलो। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंथन भिंड लिए आप अब तक तड़प रहे थे, लेकिन दोस्तों याद रखना कि सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। तो जहां एक तरफ सकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में खुशियां भरने के लिए तैयार हो चुकी हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, खुशियां आपके घर में, आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं, वहीं आपके शत्रु, आपके सबसे पुराने दुश्मन अब सतर्क हो चुके हैं। उनकी भी गतिविधियां बढ़ेंगी और वे आपको परेशान करने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे। तो इससे पहले कि वे आपके जीवन में कोई हानि पहुंचाएं, आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, टोना टोटका आदि आजमाएं, किसी प्रकार का बंधन कर्म आपके ऊपर करें, इससे बेहतर यह होगा कि आप उन्हें पहचान लें और उन्हें पहचानने के बाद एक विशेष शक्तिशाली उपाय करें, जो हम आगे आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। जब आप इस विशेष महाशक्तिशाली माता भद्रकाली के उपाय को करेंगे, तो फिर आपका शत्रु चाहे कितना ही शक्तिशाली, कितना ही न्यूज और बुरा क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस वीडियो में आगे हम आपको उन शुभ घड़ियों के विशेष योगों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन में बनने जा रहे हैं और उन विशेष योगों से आप लाभ कैसे हासिल करेंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी कि आपके वे कौन से तीन नाम वाले ऐसे शत्रु हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, लंबे समय से आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जब जब आपके जीवन में खुशियां आती हैं तो इनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं और यह आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश करते हैं। उन शत्रुओं का हम आपको नाम भी बताएंगे। जी हां मित्रों, स्पष्ट तौर पर उनका नाम बताएंगे, उनकी राशि बताएंगे और सबसे बड़ी बात कि उन शत्रुओं से आपका क्या रिश्ता है, क्या नाता है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि उनसे आपको कैसे पीछा छुड़ाना है। लेकिन इन सब बातों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कि हम आपको एक ऐसा विशेष महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे जिससे आपको मात्र एक बार करना है। जी हां मित्रों, केवल एक बार और एक बार। इस उपाय को करने के बाद आपका कोई भी शत्रु कितना ही बलवान हो, कितना ही शक्तिशाली हो और कितनी ही बड़ी तांत्रिक क्रिया कर रहा हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। प्यारे मित्रों, एक बात हम आपको यहां पर बताना चाहते हैं कि आपके जीवन की वैसे तो कई छोटी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो आपका पीछा कभी छोड़ती ही नहीं है, और वह समस्या है दूसरों की बुरी नजर। जी हां मित्रों, दूसरों की गलत भावनाएं, बुरी नजर, काली नजर आपका पीछा कभी छोड़ती ही नहीं है। आप जरा विचार करके सोचिए अपने जीवन के बारे में कि जब जब आपको कुछ अच्छा महसूस हुआ, कोई बड़ी खुशखबरी मिली, कुछ अच्छा आपके जीवन में घटने को हुआ और आपने जैसे ही उसे लोगों को बताना शुरू किया या आपके आसपास के लोगों को उसके बारे में खबर हुई,
वैसे ही वह खुशी आपके हाथों से फिसल गई। जी हां मित्रों, कई बार ऐसा हुआ है कि कोई बड़ी मौका, बड़ा अवसर आपके हाथ में आया और आपने जैसे ही उसके बारे में लोगों को बताना शुरू किया, कुछ दिनों में वह मौका आपके हाथों से निकल गया। आप खुद भी सोचते रह गए कि आखिर यह कैसे हो सकता है। जब सारा काम लगभग पूरा हो चुका था तो फिर यह कैसे रुक सकता है। लेकिन ऐसा हुआ। जी हां मित्रों, आपके हाथों में आई हुई खुशियां बार बार फिसल जाती हैं, क्योंकि इसका कारण यही है कि आपका पीछा बुरी नजर कभी छोड़ती ही नहीं है। यह आपकी राशि के जातकों का एक कड़वा सच है। अब आप चाहे इसे माने या ना माने, मान लेंगे तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो के अंत में बताए गए विशेष शक्तिशाली उपाय और कुछ जरूरी सावधानियों को जानकर हमेशा के लिए इन चीजों से पीछा छुड़ा लेंगे। और नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं है, जो जीवन में मिल रहा है बस उसे भोगते रहेंगे और जीवन भर हर किसी को कोसते रहेंगे। अपने जीवन की परेशानियों का दोष किसी न किसी के ऊपर मढ़ते रहेंगे, लेकिन अंतिम निष्कर्ष यही होगा कि केवल और केवल कष्ट मिला है जीवन में। जी हां मित्रों, तो वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है, आपको अद्भुत ज्ञान देगा। शास्त्रों की गहराई से निकाले हुए बेशकीमती ज्ञान के खजाने को आज हम आपको देने जा रहे हैं, तो बस पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से आज इस वीडियो को देखना है। बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, मन को भटकने नहीं देना है। यकीन मानिए मित्रों कि आपके ऊपर माता रानी की विशेष कृपा है, तभी आपको यह विशेष वीडियो आज देखने के लिए प्रेरणा माता रानी की तरफ से प्राप्त हुई है और आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया है। तो अब ऐसे में आपको बीच में इसे छोड़कर नहीं जाना है, ऐसी महान भूल मत कर देना। तो चलिए मित्रों, बिना समय गवाए आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम वही करेंगे जो हमेशा से करते चले आ रहे हैं, यानी कि माता रानी को आभार व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं तीन बार लिखना। माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और अगले तीन दिनों में आपको बहुत बड़ी एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी। याद रखना कि जो यह बातें हम आपको बताते हैं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं माता रानी के द्वारा दी गई अनुभूतियों और साधना के अनुभवों के आधार पर आधारित होती हैं। यानी कि माता रानी स्वयं ही आपको यह सारी बातें किसी ना किसी रूप में देना चाहती हैं, यह ज्ञान आपको उपलब्ध कराना चाहती है। तो बस ठंडे दिमाग से माता रानी पर विश्वास रखते हुए इस वीडियो को पूरा देखें। अंत में आपको जरूर कुछ ना कुछ अद्भुत सीखने को मिलेगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में धन्यवाद अवश्य ही देंगे, हमें पूरा भरोसा है। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसा करके आप हमारी और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, तो इस मौके को ना गवाएं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आगे बढ़ते हैं, माता रानी आपका कल्याण करें। प्यारे मित्रों, अब ध्यान से सुनो, आजकल का जो समय चल रहा है, जैसा कि वातावरण है, लोग आजकल अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से अधिक दुखी हो जाते हैं। हमेशा दूसरों की जिंदगी पर नजर रखते हैं और अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में उन्हें जानकारी होती है कि इसके जीवन में क्या चल रहा है। ऐसे में आपके ऊपर भी लोगों की पूरी नजर रहती है और आप अपने जीवन में ऐसे लोगों की बुरी नजर, बुरी भावनाओं से कई बार परेशान भी हो चुके हैं, पीड़ित भी रहे हैं। लेकिन आप एक अलग स्वभाव के इंसान हैं, आप अपने काम से काम रखने वाले हैं, दूसरों की जिंदगी से आपको कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जानकारी आपको भले ही हो, लेकिन जब दूसरों के जीवन में खुशियां आती हैं तो आपको भी अच्छा लगता है। आपके मन में किसी के लिए कोई मैल नहीं है, देखा जाए तो आप एक भोले भाले चरित्र के इंसान हैं। लेकिन आपका यही भोला भालापन आपके लिए एक जहर का काम करता है। जी हां मित्रों, अब इससे परेशानी यह उत्पन्न होती है कि आप जैसे हैं वैसे ही इस संसार को भी मानने लगते हैं। आपको लगता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही संसार में सारे लोग सोचते हैं और आप बहुत ही खुले दिल के, सच्चे दिलवा वाले, साफ मन के इंसान हैं और ऐसा ही संसार को मानकर अपने मन की सारी बातें बता देते हैं, अपनी खुशियों को दूसरों के साथ शेयर करने लगते हैं
और भविष्य की योजनाओं को भी खुले दिल से सबको बताने लगते हैं। यहां तक कि जो बातें आपके जीवन में नहीं हुई हैं, भविष्य में होने वाली हैं, उनके बारे में भी आप कभी कभी बता देते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि जब आप लोगों को बताते हैं तो लोग आपसे तुरंत जलने लगते हैं। मित्रों, एक बात याद रखना कि आपकी राशि चक्र की एकमात्र ऐसी राशि है जिससे हमेशा लोग जलते हैं। अब चाहे आपके पास धन दौलत हो या ना हो, चाहे आप जीवन में कुछ बड़ा काम करें या छोटा काम करें, लेकिन लोग आपसे तब भी जलते हैं। अब यह कुछ ऐसा हुआ जैसे कि आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग आपसे क्यों जलेंगे? तो आप और खुले दिल से लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप औरों जैसे नहीं हैं। आपकी सोच दूसरों से अलग है। रहन सहन, विचार, बात करने का तरीका, यहां तक कि चलने, बैठने, उठने और लोगों के साथ संपर्क करने के तरीके दूसरों से बिल्कुल अलग हैं। आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो लोगों को हमेशा खटकती है। इसका उदाहरण यह है कि जो इंसान आपसे एक बार बात कर लेता है, वह आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। जो इंसान एक बार बस आपको नजर भर के देख ही ले, वह भी आपको कभी भूल नहीं पाता है। इसे प्रकृति की या माता रानी की कृपा मान सकते हैं कि आपकी आंखों में, आपके चेहरे में एक गजब का आकर्षण होता है। आपकी बातों में एक अलग सी ऊर्जा होती है। आपके काम करने की शैली बहुत ही अद्भुत और निराली है। अब इन सब बातों से लोग आपसे हमेशा जलते हैं, लेकिन आपकी नजर में यह कोई खास बातें नहीं है, क्योंकि आपको यह ऊपर वाले के द्वारा दिया गया उपहार है और आप इन चीजों के बारे में सोचते भी नहीं है। लेकिन लोग ये सारी बातें नोटिस करते हैं और फिर आपसे जलन खाने लगते हैं। अब ऐसे में जब आप अपने नए विचारों से अद्भुत मेहनत के साथ कठिन परिश्रम करते हुए बड़ी बड़ी सफलताओं को हासिल करते हैं, और छोटे छोटे ही सही, लेकिन सफलता जब आपको मिलती है तो लोग आपसे तो पहले से ही जल रहे होते हैं। आपकी छोटी मोटी सफलता भी उनसे सहन नहीं होती है। उन्हें लगता है कि यह हमसे आगे कैसे निकला जा रहा है, इसे नीचे गिराने का कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग तो बस सोच कर ही रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बीच में ऐसे होते हैं जो इससे भी आगे निकल जाते हैं, और वे तांत्रिक क्रिया को, नजर दोष वगैरह को उत्पन्न करने लगते हैं और आपके ऊपर इन क्रियाओं को आजमाने लगते हैं। जी हां मित्रों, अब ऐसा आपके जीवन में कई बार हुआ है जब आप बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ अवस्था में हो और अचानक ही आपका सिर दर्द होने लगा, अचानक ही आपके शरीर में भारीपन आ गया, अचानक ही आपकी आवाज भारी सी हो गई, आपके आसपास अजीब सी दुर्गंध आने लगी, कभी कभी तो आपको चक्कर भी आ जाते हैं। दोस्तों, जब भी आपके साथ ऐसा हो, आप समझिए कि आपके ऊपर किसी ने बहुत बड़ा टोटका, बहुत बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया करती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब सब कुछ आपके जीवन में सामान्य होता है, कोई विशेष परिस्थिति ऐसी नहीं होती जिसमें कि आपको डर लगे, लेकिन तब भी आपको मन ही मन बहुत भय लग रहा होता है, बहुत अधिक डर होता है, किसी बात को लेकर एक अनजाना सा डर आपको सताता है, आपको चैन से सोने भी नहीं देता है। यदि आप सो भी जाएं, तो आपको डरावने से सपने आने लगते हैं और आप चौंक कर जाग जाते हैं। ये सब भी तांत्रिक क्रियाओं के प्रमाण हैं। और इस सबसे बड़ी और खास बात कि रात्रि को 11 बजे से 1 बजे के बीच आपकी नींद अक्सर टूट जाती है और फिर आपको नींद वापस बड़ी मुश्किल से ही आती है। इन सब संकेतों से आप समझ लेंगे कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हो चुकी है, और यह घटनाएं आपके साथ पहले भी कई बार हो चुकी हैं। अब यह सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपने पुराने अनुभवों को याद करें और हमारे द्वारा कही गई बातों को उनसे मैच कर यह जानने की कोशिश करें कि आपके पास ऐसी घटनाएं आई हैं कि नहीं, आपके जीवन में यह सब पहले घटित हुआ है कि नहीं। हम आपको पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आपके जीवन में निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, आप इन सब को भोग चुके हैं। अब आपको बेशक इनके बारे में पहले से एहसास ना हो, यह बात अलग है, क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं। अब इन सब बातों को आप हल्के में ना ले, ये बहुत गंभीर बातें हैं। अब हम आपको बताते हैं उस विशेष ग्रह योग के बारे में, फिर हम आपके शत्रु का नाम बताएंगे और फिर हर एक तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक क्रिया से छुटकारा पाने के लिए एक विशेष शक्तिशाली मां भद्रकाली से जुड़ा उपाय बताएंगे। इसे आपको इस जून के महीने में अवश्य कर लेना है। मित्रों,
याद रखना कि यह जून का महीना कोई साधारण महीना नहीं है। यह आपके जीवन में बहुत बड़े और बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि इस जून के महीने में आपके जीवन में महाशक्तिशाली योगों का निर्माण हो चुका है, जैसा कि अब तक कभी नहीं हुआ था। अब बात करते हैं सबसे पहले मालव्य योग, या फिर यूं कहे कि पंचग्रही राज्य योग की, तो पंचग्रही राज्य योग बनता ही है जब पांच शक्तिशाली ग्रह एक ही राशि में लाभ भाव में गोचर कर रहे होते हैं, जिसमें कि सूर्य, बुध, शुक्र जैसे तीन महाशक्तिशाली ग्रह शामिल होते हैं। अब सूर्य आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे, बुध आपकी बुद्धि को प्रखर करेंगे, आमदनी को बढ़ाएंगे, और शुक्र आपके जीवन में भोग विलास को बढ़ाएंगे, आनंद को बढ़ाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आएंगी। अब ये खुशियां अचानक तो कहीं से आ नहीं जाएंगी, इन खुशियों को आने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, तो आपके जीवन में जो माध्यम बनेगा वह है आपका काम, धंधा, व्यापार। कहने का मतलब यह है कि आने वाले 8 से 10 दिनों में आपके काम, धंधे, व्यापार में कुछ विशेष परिवर्तन होंगे। आपको कहीं से कोई विशेष फंड मिलेगा, पैसा मिलेगा, जिससे आप अपने व्यापार को बड़ा कर सकते हैं, या फिर कहीं से किसी प्रकार की पार्टनरशिप का कोई ऑफर मिलेगा जिसे आप स्वीकार करके आपके व्यापार को बड़ा कर सकते हैं, या फिर किसी भी अन्य प्रकार से कोई ऐसी मदद, कोई बैंक लोन या फिर किसी अन्य प्रकार से ऐसी बड़ी मदद मिलेगी जिससे कि आपका व्यापार बहुत बड़ा हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात मित्रों कि खाली व्यापार बड़ा हो जाने से जीवन में खुशियां नहीं आती हैं, व्यापार चलना भी चाहिए। तो एक दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि आपका व्यापार जो भी है, जैसा भी है, वैसा ही रहेगा, लेकिन आपकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। तो बात तो वही रहेगी कि भविष्य में नजदीकी समय में आप अपने व्यापार को बढ़ा लेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में पैसे की आवक काम धंधे व्यापार के माध्यम से बहुत अधिक होगी। दूसरा यह भी होगा कि यदि आपका पैसा कहीं पर अटका पड़ा था, जैसे आपने किसी को पैसा दे दिया था, कर्जा दे दिया था, या फिर आपने किसी डील में कहीं पर कोई पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, तो वह पैसा आपका वापस निकल आएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा, इससे भी आपके जीवन में खुशियां आएंगी। तीसरा, आपका पारिवारिक जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेश हो, किसी भी प्रकार का झगड़ा हो, विवाद हो, वह समाप्त हो जाएगा और शांति छा जाएगी। इसी के साथ साथ आपके दाम्पत्य जीवन में भी एक विशेष पवित्रता का, प्रेम का माहौल उत्पन्न होगा। जी मित्रों, आपके जीवन साथी से आपको बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। आपका जीवन साथी आपका मनोबल भी बढ़ाएगा, लेकिन इन सब बातों के बीच आपको विशेष तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहली सतर्कता तो आपको स्वयं के ऊपर रखनी है, यानी कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, इसकी भनक किसी को भी नहीं देनी है, चाहे कोई आपका कितना ही खास क्यों ना हो, आपका दोस्त, यार, सखा, भाई कोई भी हो। किसी को भी आप अपने दिल की बात, अपने जीवन की हर एक घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, सारी बातें गुप्त रखेंगे। दूसरी सावधानी आपकी यह रहेगी कि आप अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखेंगे, यानी आपको ना तो जल्दी से क्रोध करना है, ना ही किसी पर एकदम से पिघल जाना है, किसी से बहुत अधिक प्रेम करना है। अपनी भावनाओं पर आप पूरा नियंत्रण रखेंगे। आपको अपनी भावनाओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके जीवन की परेशानियों में आपकी भावनाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। कभी कभी भावुकता में आप ऐसे काम कर जाते हैं कि बाद में आपको पछतावा होता है कि आपने आखिर ऐसा कर ही क्यों लिया। तो स्वयं पर नियंत्रण रखना है, अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित करना है। अब तीसरी बात कि अपने शत्रुओं से आपको सतर्क रहना है। आपके कुछ विशेष शत्रु हैं जो लंबे समय से आपके पीछे पड़े हुए हैं। इन शत्रुओं से आपको सतर्क कैसे रहना होगा, इसके लिए आपको करना होगा कुछ उपाय। कोई ना कोई ऐसी विशेष रक्षा कवच आपको अपने आसपास तैयार कर लेना होगा कि फिर शत्रु चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वैसे हम आपको बता दें कि आप चाहकर भी अपने शत्रुओं से पीछा छुड़ा नहीं पाएंगे यदि आप कोई उपाय नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपनी स्वभाव से कभी पलट नहीं हो सकते हैं। यानी कि आप जैसे मन से हैं, शुद्ध, पवित्र और भोले भाले स्वभाव के व्यक्तित्व के मालिक हैं, आप और आप अपने स्वभाव को तो बदल नहीं सकते हैं। तो जैसे आप हैं, वैसे ही आप इस संसार को मान कर देखेंगे और धोखा खाते रहेंगे,
तो इससे बेहतर यह होगा कि जब आप अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते हैं तो अपने आसपास एक रक्षा कवच तैयार करें, एक सुरक्षा घेरा बनाएं और फिर आपके ऊपर होने वाले किसी भी प्रकार के नकारात्मक क्रिया के हमले को यह सुरक्षा घेरा बर्दाश्त करेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। जी हां मित्रों, तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको आपके शत्रुओं के नाम बताने जा रहे हैं। अब हो सकता है कि किसी के जीवन में इस नाम का कोई शत्रु हो या फिर हो सकता है कि नहीं भी हो, क्योंकि जो हम भविष्यवाणियां कर रहे हैं वे आपकी राशि को देखते हुए कर रहे हैं, ग्रह गोचर के आधार पर कर रहे हैं और अपनी स्वयं की अनुभूतियों के आधार पर जो माता रानी हमें देती हैं उनके आधार पर कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपने स्वविवेक का पूरा उपयोग करना है। जब हम आपको आपके शत्रुओं का नाम बताएं तो आप ठंडे दिमाग से अपने आसपास के लोगों पर नजर दौड़ा जाएं और फिर उन लोगों को जिनका नाम मैच हो जाए मिल जाए, उन लोगों के स्वभाव के बारे में विचार करें। यह आपकी सतर्कता बढ़ाने के लिए भी होगा, यानी आपको अलर्ट कर देगा कि कौन आपका शत्रु है कौन नहीं है। तो अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहला आपका शत्रु है जिसका नाम अंग्रेजी के जे अक्षर से या हिंदी में जी अक्षर से शुरू होता है। जी हां मित्रों, इसकी राशि वृश्चिक है। दूसरा आपका शत्रु है जिसका नाम आ अक्षर से शुरू होता है लेकिन इसकी राशि कुंभ है। और तीसरा आपका शत्रु है रा नाम वाला इंसान। जी हां मित्रों, जिसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। इन तीन नाम वाले लोगों से आपको हमेशा सतर्क रहना है, ये आपके आसपास हैं और आपको लगातार पीड़ा पहुंचाते चले आ रहे हैं। अब इन नाम वाले लोगों से आपको हमेशा सतर्क रहना है। अब हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो इस नाम का आपके आसपास है लेकिन आपको पूरा विश्वास है कि यह आपकी हानि नहीं कर सकता है। लेकिन प्यारे मित्रों, समय का इंतजार करना, आज नहीं तो कल भेद खुल ही जाएगा और वह आपका सबसे बड़ा शत्रु साबित हो ही जाएगा। तो आप हो सकता है कि उसके द्वारा बिछाए गए जाल में अभी फंसे हों, क्योंकि आप भावनाओं से चलने वाले इंसान हैं। तो भावनाओं के आधार पर आप विचार करेंगे तो आपको अभी सब कुछ ठीक लग रहा होगा, लेकिन भविष्य में आप जब धोखा खा जाएंगे फिर तो आप समझ ही जाएंगे, फिर आपकी भावनाएं भी चकनाचूर हो जाएंगी। तो इससे बेहतर यह होगा कि आप अभी से ही सतर्क हो जाएं। हम यह नहीं कह रहे कि आप इन नाम वाले लोगों से सीधे अभी दुश्मनी मान बैठे और इनसे झगड़ा करके दूर हो जाएं। जी नहीं, आप बस इनके ऊपर नजर बनाकर रखें। ये आपसे क्या कहते हैं, कैसे कार्य करते हैं, आपके बारे में इनके क्या विचार हैं, इन पर थोड़ा सा होशियारी के साथ, सतर्कता के साथ नजर रखेंगे और फिर इनके बारे में कोई भी निर्णय लेंगे। आंख बंद करके आप इनके बारे में कोई निर्णय ना लें, बस इतना सा हम चाहते हैं। और यदि आपको हमारी बातों में सत्यता लगती है और इस नाम के लोगों में आपको वे संकेत दिखाई देते हैं जो हमने आपको बताए हैं, तो फिर आपको धीरे से इन लोगों से दूरी बना लेनी है। झगड़ा नहीं करना है, कोई विवाद नहीं करना है, कुछ कहना सुनना नहीं है, बस चुपचाप इन लोगों से दूरी बना लेनी है, संपर्क अपना कम कर देना है। बस यही आपके लिए सबसे बुद्धिमानी वाला फैसला होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुने और एक एक चीज को नोट करके रख लें। जी मित्रों, अब हम आपके आसपास एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाने जा रहे हैं जो आपको हर एक प्रकार की तांत्रिक क्रिया से, नकारात्मक ऊर्जा से बचाकर रखेगा। तो अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि महीने के किसी भी शनिवार के दिन शाम के समय आपको माता भद्रकाली के मंदिर जाना है। अब कुछ लोग इस चीज में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली का मंदिर जाए या मां भद्रकाली का मंदिर जाए। तो मित्रों, माता काली और मां भद्रकाली दोनों एक ही हैं। जब माता क्रोधित होती है तो वह काली का रूप, चड्डी का रूप बन जाती है और जब माता शांत होती हैं तो वे भद्रकाली कहलाती हैं। और ऐसे ही रूप में माता सबको अपना प्रेम और वरदान देती हैं। तो आप किसी के भी मंदिर में जा सकते हैं, वह काली माता का मंदिर होना चाहिए। बस आप वहां जाएं और माता को 11 या 21 नींबू की माला अर्पित करें। अब दूसरा कार्य आपको यह करना है कि माता भद्रकाली के मंदिर में जो भभूति होगी, जी हां मित्रों, हर मंदिर में देवी देवताओं के नाम की भभूत होती ही है, तो जो भभूत होगी उसे आप कागज में लेकर अपने घर आ जाएं। थोड़ी सी भभूत अपने कागज में समेटे और उसे अपने घर लेकर आ जाएं। अब उस भभूति को आपको अपने घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा सा छिड़क देना है। उसके बाद उस भभूति को आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी थोड़ा सा फैलाना है, यानी छिड़क देना है। और उसके बाद आपको उस भभूति को अपने घर के पूजा घर में माता भद्रकाली की फोटो के पास, उनकी तस्वीर के पास रख देना है
और जब आप अपने घर से किसी भी कार्य के लिए निकले, यानी कि काम धंधे व्यापार पर निकले, किसी जरूरी कार्य को करने के लिए निकले, तो उस भभूति में से थोड़ा सा अंश लेकर, यानी अपनी जो अनामिका उंगली है उसमें उस भभूति को थोड़ा सा लेकर अपने गले पर लगाएं कंठ पर। जी हां मित्रों, क्योंकि काली का बांस कंठ पर ही माना जाता है इंसान के शरीर में, तो आप अपने कंठ पर उस भभूति को लगाएं। अब जब आप यह भभूति अपने घर के चारों कोनों में मुख्य दरवाजे पर या फिर अपने कंठ पर लगाएंगे, उस समय आपको इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना है। मंत्र आप ध्यान से सुने, यह मां भद्रकाली का विशेष तांत्रिक मंत्र है, तो इस मंत्र में आपको कोई गलती नहीं करनी है, तो इसे आप ध्यान से सुने। जरा सी भी गलती इस मंत्र में आपको नहीं करनी है, तो मंत्र आप ध्यान से सुने। ओम क्रीम रूम ह्रीम हमम फट। जी हां मित्रों, मंत्र को एक बार फिर से ध्यान से सुने। ओम क्रीम रूम ह्रीम होम फट। जी हां मित्रों, यह माता भद्रकाली का विशेष तांत्रिक मंत्र है। यह आपके आसपास एक विशेष रक्षा कवच का निर्माण कर देगा। अब आप यह क्रिया महीने में एक बार कर सकते हैं। जब आपकी भभूति समाप्त हो जाए तो आप अगले महीने फिर से किसी शनिवार के दिन माता भद्रकाली को नींबुआ की माला अर्पित करके आए और वहां से थोड़ी सी भभूत लेकर आए और यही क्रिया को फिर से दोहरा लें। इस क्रिया को आप लगातार करते रहेंगे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता कभी भी हो ही नहीं सकती है। दुनिया की कोई ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। फिर नजर टोने टोटके की तो हैसियत ही क्या है। बड़ी से बड़ी, भयंकर से भयंकर तांत्रिक और मारण क्रिया भी आपके घर के दरवाजे से ही वापस लौट जाएगी और जो भी इस क्रिया को आपके ऊपर कर रहा होगा उसी का विनाश करेगी। जी हां मित्रों, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस उपाय को करिए और इसके लाभ खुद महसूस करिए। आज आप इस उपाय को करेंगे और कल से ही आपको इसके परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि हम आपसे कह चुके हैं कि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा हमेशा रहती ही है। आप चाहे कितनी ही कोशिश करें, इसे निकालने की निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन इस उपाय के बाद यह नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से बाहर होगी और आपको इसके शुभ परिणाम भी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, या ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।